मैको का यूज करके बहुत ही प्यारा सा प्लांटर बनाने वाले हैं, जो आपने देखा ही होगा। बस हम उसका प्रोसेस देखने वाले हैं कि ये कैसे बनाता है। सबसे पहले तो मैंने कहती थी आपके पास कोई भी नुकीली चीज है तो आप उससे इसमें होल कर सकते हैं, और ये बहुत ही अब कच्ची मिट्टी के आने लगे हैं तो आसानी से होल हो जाते हैं। अगर होल नहीं होगा तो आप पानी में रख के भी कर सकते हैं, और उस होल में हम एक रस्सी ले लेंगे। आपके पास कोई भी रस्सी हो वो आप ले सकते हैं, मेरे पास जूट की पड़ी हुई थी तो मैंने ले लिया। और ये मैंने इनके हाथ और पैर बनाने के लिए छोटे छोटे से जो हमारे यहाँ पे स्टिक्स आती हैं भगवान जी के लिए, तो वो उनको जलाने और रखने के लिए, ये खड़ा करने के लिए स्टैंड टाइप का आता है, बस मैं वही इकट्ठा करके रखी रहती हूँ। बहुत सारे हैं मेरे पास, मैंने उन्हीं का यूज करके बना दिया है हाथ और पैर का इफेक्ट, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये। और मैंने कहीं कहीं पे ऐसे अलग टाइप का देखा हुआ था मतलब, लेकिन वो लोग दूसरे चीजों का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टिक्स के होल्डर्स का यूज किया। फिर आप चाहे तो कोई भी खाली बॉटल हो उसका ढक्कन यूज कर सकते हैं आप, बहुत सारे कबाड़ इसमें यूज में लाए जा सकते हैं। और फिर मैंने एमसील की हेल्प से दोनों मतलब कुल्हड़ को आपस में जोड़ दिया है, और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है अभी से। आपको जो कलर चाहिए हो आप करिए, थोड़े से पैटर्न भी आप बढ़ा सकते हैं। मैंने बस बहुत ही सिंपल सा रखा है, मैंने बहुत ज्यादा इसमें डिजाइनिंग वगैरह नहीं की है, बस प्यारी सी आईज बना दी और माउथ बना दिया। आप चाहे तो इस मटके को और भी डेकोरेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोई और फूल पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं। जितनी कलाकारी आप कर सकते हैं, मतलब मुझे ऐसे सिंपल ही पसंद आ रहा था। फिर ये देखिए मनी प्लांट लगाने के लिए बहुत ही अच्छा सा ये बन जाएगा मिनी प्लांटर। फिर मैंने ये आइसक्रीम के मटकों का यूज किया है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब इसमें डायरेक्टली भी प्लांट लगाया जा सकता है, या फिर मनी प्लांट को पानी में लगा सकते हैं, या फिर कैसे भी आप थोड़े छोटे मोटे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने चीजों का। मैंने इसके प्लांटर के जैसे यूज करना है तो उसके लिए मैं बना रही हूँ, और यहाँ पे मैंने फिर से एमसील का यूज किया। आप चाहें तो यहाँ पे मोल्डेड क्ले का भी यूज कर सकते हैं, और दोनों एक ही जैसे काम करता है दोनों। फिर इसके अच्छे से ड्राई होने के बाद हम इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। आपको जो कलर पसंद हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्टल शेड के कलर्स का यूज किया है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और पिंटरेस्ट वाइब आती है इनसे। फिर मैंने थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड कर दी जैसे नोज वगैरह में, और मैंने दो कोकोम्बो बनाया है, तो जो मैं दूसरे कलर का करूंगी ना पॉट पेंट, उसी कलर से मैंने इसमें डिटेलिंग ऐड कर दिया, ताकि दोनों में सिमिलैरिटी रहे और दोनों प्यारे लगे। जैसे मैं उसको अगर पिंक करूंगी तो उसमें मैं इस वाले कलर से डिटेलिंग ऐड कर दूंगी, और फिर सारे के बाद ब्लैक की डिटेलिंग तो मस्ट है, मतलब ब्लैक के बिना तो कोई भी आर्टवर्क अधूरा ही रहता है। फिर मैंने दोनों को बना दिया है, रेडी कर दिया, और ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। आप इसमें छोटे छोटे से अपने ज्वेलरी वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर एज अ मनी प्लांट के लिए उसको पानी वाला प्लांटर भी बना सकते हैं। और आपको अगर ये कबाड़ से जुगाड़ अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।